નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જુલમ કેવા ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને સમાચારની વાત કરીએ તો વડોદરા નિઝામપુરા ખાતે ડિલક્સ ચાર રસ્તા પાસે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણની થી સમર્પણ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. સંપૂર્ણ દેશભર મે ભગવાન શ્રી રામ કે જન્મસ્થાન કે ભવ્ય મંદિર કે નિર્માણ કે લીએ જો હમારે પુરખોને 76 લડાઈ લડી, 4.5 લાખ હિન્દુ ઇસ ભગવાન રામ કે જન્મસ્થાન કે બલિદાન હો ગયે, ઉનકો યાદ કરકે ભગવાન રામ કે જન્મસ્થાન પર भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संघ विश्व हिंदू परिषद संतों के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नेतृत्व में 14 जनवरी से 27 फरवरी सारे देश भर में मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक एक अभियान चलाने वाली है. दरेक सामान्य से सामान्य हिंदू से 10 रुपया लेना, सामान्य हिंदू परिवार से 100 रुपया लेना, 1000 रुपया लेना, और जिसको भगवान राम ने खूब दिया है उससे उनकी श्रद्धा के अनुसार उसका सहयोग लेना और भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए हर एक हिंदू का सहयोग हो. सारे भारत में 6,45,000 गाँव है. 6,45,000 गाँव में से 5,23,000 गाँवों की योजना बन गई है. दक्षिण गुजरात में 7,228 गाँव है. हम दक्षिण गुजरात के 7,228 सभी गांवों में जाकर ये राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ये कार्य शुरू होने वाला है. आज वडोदरा के महाराणा प्रताप विस्तार के कार्यालय का उद्घाटन है. इस कार्यालय के माध्यम से महाराणा प्रताप के विस्तार में रहने वाले प्रत्येक हिंदू का सहयोग लेने वाला, एक भी हिंदू का घर बाकी नहीं रहे, सभी व्यक्ति को राम से जोड़ने का काम शुरू होने वाला है. इसलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है. क्या नाम आपका सर? विक्रम सिंह भाटी, प्रांत अभियान प्रमुख, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान.